Sixer. Oh shit, bro. अरे चाले मान दो ना कहीं ना था कार लो बदु चाले 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 चलो बैठो बैठ लेटो ये बात ऐसे करते हैं तो अरे ऐसे तो कोई यहाँ पे तो भी टाइम लग जाएगा लात मार के निकाल देते हैं लात मार जाते चलो न्यूट्रल कर लो और पीछे का ब्रेक लग रहा है ना हेलो गाइस एवरीवन गुड मॉर्निंग एवरीवन तो वेलकम टू जीजे 27 बाइकर एंड संडे राइडर तो ऑलमोस्ट आज अपनी दोनों गाड़ियाँ रेडी है तो फटाफट कॉल स्टार्ट करते हैं क्योंकि वैसे ही हम लेट हो चुके हैं भाई लोग कोल्ड स्टार्ट हो चुका है अपनी गाड़ियों का तो फटाफट निकलते हैं फ्यूल अप करवाना है 5:34 हो गया जय श्री महाकाल लेट्स गो ब्रो ओहो ज्यादा अग्रेसिव हो रही है सीरियसली काम डाउन बेबी काम डाउन ज्यादा अग्रेसिव नहीं अभी हम आपको खिलाते हैं बेबी खाना खिलाते हैं इसके बाद में दहाड़ना ओके अंदर बस बस कितना 1232 डालू कि 33 वो डालना डाल दो हमारी इच्छा उसमें सादा ही डलता है हो गया लेट्स गो ब्रो सनातन चौकड़ी जाना है क्योंकि सारे राइडर्स हमको वहाँ मिलने वाले हैं और बाकी के 2-3 राइडर्स वो हमको मिलने वाले बावला क्योंकि इस बार हम जा रहे हैं फेदरा गेलफ जा रहे हैं क्योंकि जो आनंद गेलफ था बहुत कॉमन हो गया था सारे राइडर्स नहीं जाते तो इस बार हमने सोचा कि कुछ न्यू करते हैं और सब लोग बोल भी रहे थे कि वहाँ की रोड और हाईवेज बहुत ही शानदार है तो बहुत अच्छी बात है बस वहीं पे हम निकल रहे हैं अभी तो GTR आगे निकल गई है क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए क्योंकि 15 मिनट बाकी है सनातन चौकड़ी पहुँचने के लिए सन्नाटे को चीरती हुई जा रही है अपनी गाड़ी सुन तो अपने सारे भाई लोग आ गए रेडी फॉर रेस रेस नहीं राइड लेट्स गो ब्रो चलो 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 सीरियसली यार गातो ग्रुप में मजा ही आ जाएगी सीरियसली
सीरियसली ये चल रहा है भाई, काफिला काफिला आ रहा था। सनसनाट करके ये मेरी जीटीआर कार है गई ब्रो। सिक्सर चल यस, पीछे ना रह जाए। इसको लेने के लिए मेरे को पीछे आना पड़ रहा है क्योंकि इसको भी आदत नहीं है राइड की, फर्स्ट राइड है इसकी। सिक्स आर की क्या आवाज आ रही है ब्रो? भाई आज मेरा पूरे ग्रुप में खाली सिक्स आर ही आवाज कर रही है, भले स्लिप ऑन लगा हुआ है। आई डोंट नो कि स्लिप ऑन है कि फुल सिस्टम है, लेकिन सीरियसली पूरे ग्रुप में ना वो लीड कर रही है गाड़ी। ओह ब्रो क्या ही मजा आ रही है भाई, शुरुआत इतनी अच्छी है तो सोचो आगे आगे होता है क्या ब्रो। इतने सारे राइडर्स, अनएक्सेप्टेड राइड ही है, तीन चार जनों की राइड, 15-20 जने हो जा रही है। सीरियसली ब्रो, हाँ तो 6R, 10R, 900 बहुत ज़्यादा ही गाड़ी हो रही है, बस निकल रही है। वजन कांटा लेट्स गो ब्रो, आज निकल रहा है काफिला। सीरियसली ये संडे राइड के लिए पूरा हफ्ता वेट करना पड़ता है, और फिर संडे जब आता है तो भाई राइड करे रहा नहीं जाता। क्योंकि यार धीरे धीरे ग्रुप बड़ा होते जा रहा है, कोई कोई लोग छूटते जा रहे हैं, कोई कोई लोग नए लोग आते जा रहे हैं। बस यही लाइफ है, यही जिंदगी है, एक्सेप्टेड जो भी है एक्सेप्ट करो, चलते जाओ। क्रेजी राइड ब्रो, साला समझ ही रहा था कौन किधर है। लाउड 10R सीरियसली यार क्या ही संडे राइड ब्रो। ओहो एम्प्टी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट और अपनी जीटीआर 300 6R 10R R15। सीरियसली ब्रो क्या हो रहा है? अरे रे रे रे
क्या ही शानदार रोड है भाई, क्या ही शानदार, मजा ही आ गई यार आज तो। भाई रोड मोड पे चला रहा हूँ मैं और सीरियसली बहुत ज़्यादा ही पावर है और मैं सारी पावर यूज़ भी कर रहा हूँ क्योंकि रोड भी बहुत अच्छी है यार। अपने सड़क को यानी कि अपने गली मोहल्ले वाली रोड नहीं है, सीरियसली रोड बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। गाड़ी है ना गोली की जैसे निकल रही है, ये देखो। ओहो ब्रो ये कौन सी गाड़ी आ गई भाई ग्रुप में, अनएक्सपेक्टेड। ऑफ रोडिंग सीरियसली, ऊपर जाना है, ऊपर नीचे। हाँ सीरियसली बहुत ज़्यादा ही लाउड आवाज़ हो गई यार, अपनी 900 में लगेगी ना तो इससे भी खतरनाक। फुल सिस्टम करेंगे भाई, अब नहीं रुकने वाले, ये आवाज़ सुन के ना अंदर से तड़प लग रही है कि कब अपने एग्जॉस्ट लगाएं, कब लगाएं। अब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ब्रेक यूज कर रहा था उसका, ब्रेक का क्या लगा हुआ था। हाँ लोचा हुआ कुछ भाई, भाई खेत वेत आ गए यार, सीरियसली ऐसा लग रहा है कोई गांव में आ गया हूँ। 150 टच, क्या बात है भाई, ये तो नदी है, नदी। सुबह सुबह कितने बजे, 7:40 हो रही है, सुपर बाइक विद ग्रीनरी, नेचुरल हवाएं, प्राकृतिक, सीरियसली यार ओहो क्या ही व्यू है भाई, ये तो रील में जाएगा पक्का। भाई 900 किलोमीटर पूरे होने वाले, चेक कर लो, ये 900 भाई, अपनी गाड़ी चल गई है 900 किलोमीटर पूरी। GT 650, बहुत सारी बाइक्स हैं ग्रुप में, एंड GT 650 फिर से 900 किलोमीटर। सीरियसली 15-20 दिनों में 900 किलोमीटर चला दी गाड़ी भाई,
अब आएगा सर इसका खर्चा। तो फाइनली आ चुके हैं हम गैलोस फूड प्लाजा। भाई पब्लिक रिएक्शन चेक करो पहले। बहुत ज्यादा पब्लिक देख रही है, अनगिनत पब्लिक देख रही है। ज़्यादा लाउड नहीं है यार, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा। कोई ना मैं बोल रहा हूँ ये वाला डाल लेता हूँ, ऐसा मंगवा डालो। सीरियसली बहुत ज़्यादा ही आतंक हो गया, देख सकते हो पब्लिक रिएक्शन यहाँ से वहाँ से सब जगह से पब्लिक रिएक्शन। आएगी पब्लिक। फोटोशूट क्या बात है भाई। अरे बस बस डबल भाई की गाड़ी है ये, GT650 भी स्टार्ट हुई वहाँ। इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं एक बार। कितना रेव? थैंक यू सो मच। भैया को दे देना उनके बैग में डालने के लिए। भाई का शूट करके दे दो भाई। बोलो कुछ टिप्पणी। इतना देर रेडी हो रहे हैं, खतरनाक सीन हो गया भाई यहाँ पे तो। फर्स्ट टाइम राइड थी और क्या रिएक्शन आ रहे हैं पब्लिक के। अब निकलते हैं थोड़ी देर में, बस रेडी हो रहे हैं सब लोग। बस चेक करो पब्लिक चेक करो भाई साहब, पब्लिक चेक करो। अरे एवं नहीं, सब लोग अभी जाने को रेडी है। भाई का सिनेमैटिक शूट कर रहा हूँ एंड इधर को चेकआउट करो। अरे भाई चेकआउट करो भाई, गाड़ियाँ लेके जा रहे लोग, रिएक्शन पे रिएक्शन आ रहे भाई साहब।
जबरी लेके आवाज। अरे 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 तो भाई अपनी तो स्टॉक की अपनी तो कही आवाज आएगी, बाकी पब्लिक रिएक्शन चेक कर लो। लगेगा अपने में भी, लगेगा फुल सिस्टम लगेगा अपने में भी। बहुत ज्यादा चले 911 चला दी भाई 14-15 दिन में ही। सर्विस होगी ना अभी? हाँ, ये 100 किलोमीटर अभी जाके सर्विस ही है। अभी यहाँ से डायरेक्ट सर्विस सेंटर 900 हाँ करवाया गाड़ी भाई, चालू हो गई है। ओ यस मोबाइल, चलो चलो रेडी। ओहो पब्लिक 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 चेक करो। ओहो चले किस साइड जाना है? निकले डन 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 डन। आगे निकल गई है ब्रो, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है बॉडी में। 100 के नीचे तो नाम ही नहीं लेनी है गाड़ी को। कंटेनर सीरियस यार, बहुत ज्यादा ही बल्की है। ओहो ब्रो ओ तेरी, इसको तो ऐसा लग रहा है मैं इसके ऊपर बैठा हूँ ना, सीरियसली।
भाई कंसोल लग रहा है, स्पाइस जेट के ऊपर बैठ गया मैं, ऐसा लग रहा है भाई। क्या ही व्यू है ब्रो, ये भी अपना ड्रीम है। ड्रीम कंप्लीट करेंगे इसको, और अपनी नोसों भी क्या लगती है सेक्सी ब्रो। ये क्या हो गया भाई? ओह शिट ब्रो, पानी है, पानी दिया मेडिकल किट नहीं है, और पानी वानी है, पानी। अरे वो खाली साफ कर लो, अभी क्लीन कर लो। एक काम करिए, लग गई है। अरे पहले उनको क्लीन गाड़ी में ब्लड पड़ा। अरे साफ करना शुरू फोन। हाँ ये ले ले। अरे ले ले तारा फोन भाई, आपने बे बेजन कौन था? बाइक ले लो यार। आप एक्स्ट्रा कौन कौन है? एक्स्ट्रा कौन है? एक्स्ट्रा बंदा कौन है? एक्स्ट्रा बंदा कौन है? एक्स्ट्रा बंदा वो तो कैसे करेंगे, उसके जो रेसिंग जो है ना एक्सीलेटर वो टूट गया पूरा। तो कोई ना न्यूट्रल करके हमने लात मार के निकाल लेते। नहीं नहीं नहीं, उसके पास अगर आरएस हो तो आरएस बुला देते, हो जाएगा। हां पूछना पड़ेगा। अरे चलो मान दो ना, कहीं ना था कर लो बदू। चल 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 चलो बैठो एक्सीलेटर। ये मां एक्सीलेटर दे। अरे ऐसे तो कोई यहाँ पे तो भी टाइम लग जाएगा, लात मार के निकाल देते। लात मार जाते, चलो मानो न्यूट्रल कर लो। और पीछे का ब्रेक लग रहा है ना भाई, तुम ले लो बैरल ले। वो तो चलो चलो हो जाएगा, वो तो हमारी लग गई। कम ले भाई, एक्स्ट्रा कौन से भेजना? एक्स्ट्रा जीटी पे तो जीटी पे आप देना, पीछे का ब्रेक खाली हो। फोन आप देना खाली, ये तो सही से मान दो। कल गाड़ी मुझे आई हुआ गाड़ी क्रैश हो गई है, भाई को तो भेज दिया है डॉक्टर के पास। चलो कुछ बड़ा नहीं हुआ, छोटा ही हुआ। पकड़ भाई थोड़े आगे ले लो। तो भाई गाड़ी को लात मार रहा हूँ मैं। चलो देखो यार, नॉर्मली हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, भाई सेफ है अपना। गाड़ी को नुकसान हुआ, चलो देखो गाड़ी आ जाएगी, बट इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। छोटे मोटे स्क्रैच तो और क्रैश तो होते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि कुछ बड़ा होने से छोटा होना वो अच्छा है।
भले उसमें नुकसान ज़्यादा हो, रुपये का नुकसान हो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट एक बार इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। गाड़ी तो डैमेज हुई है भाई, चलो कोई ना यार, हो जाएगा इंश्योरेंस में, आज नहीं तो कल और आ जाएगी गाड़ियाँ। तो R15 को यहाँ पे होटल पर रख दिया, भाई आएंगे लेके जाएंगे जब वो ठीक लगे उनको। ये बंदा फोटो वोटो लेने के लिए कुछ भी कैसे भी कर रहा है बेवकूफ जैसे। ये देखो क्या सीन है, ये खुद की जान का रिस्क ले रहा है ये खदा, पागल इंसान है ये। देखो अभी फिर से स्पीड में आएगा, कम से कम बहुत 10 मिनट से ही ऐसा कर रहा है। ये देखो साइन भाई, सीरियसली अगर कुछ हो जाएगा ना, ये देखो उसको पता भी नहीं है कि आगे, नॉनसेंस है। कुछ बोलना ही नहीं है, दारूड़े लोग होते साले बेवड़े। गिरेगा जब भी पता चलेगा इसको। ए ए ए ए पिया हुआ हाँ पिया हुआ था साला, अपने ऊपर आएगा। मिलते हैं मंदन भाई। ओ पागल था साला। हाँ भाई लोग 1000 किलोमीटर डन अपनी Z900 में। ओ ब्रो कितनी जल्दी 1000 किलोमीटर कर दिया भाई, मेरे को यकीन भी नहीं होता कि मैंने 1000 किलोमीटर डन करे सीरियसली। ओहो यहाँ से टर्न है आगे से, बट हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दिखा देता हूँ, यहाँ पे ना बंद कर दिया था हम पीछे वाली रोड पे ही अपना लोकेशन है, बट एक एंड में है ना डिवाइडर तोड़ा गया है सीरियसली। 1001 यहाँ पे तोड़ा है, देखो दिख रहा है। अब यहाँ से कौन जाएगा भाई इतना रोंग साइड में ड्राइव करके। एक सीरियसली प्रो, कितना अच्छा लगता है यार अपनी ही गाड़ी पे अपने ही हाथों से 1000 करा, वो भी सुपर बाइक Z900 पे। मेरी जो फर्स्ट बाइक है लाइफ की जो मैं इतनी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने GS भी नहीं चलाई थी ना, मैं GTR भी इतनी चलाई ना ही, मैं अपनी कैफे रेसर ना स्कूटर तो दूर की बात है, 50 किलोमीटर भी नहीं चला तो, बट ये चला है 1001। एक हजार की खुशी में बम।